तो हम लोग जो 7.3 में जो क्वेश्चन बना रहे थे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से, तो उस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो है पढ़ रहे हैं, जिसमें 7.2 कर चुके हैं, और जो है अब 7.3 में जो क्वेश्चन बाकी रह गया था उसको हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे। तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट आई इक्वल टू साइन की वी साइन की वैक्स इंटू कॉस की वैक्स है। साइन एक्स अपने जगह पर इसको रखिए, और कॉस को कॉस जो की वैक्स है इसको कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डिग्री इसके बाद डी एक्स। अब साइन अपने जगह पर है इसको तोड़ दिए, 1 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। अब सोचे कि साइन को अगर करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस डी एक्स बढ़ जाएगा। उसके बाद अब साइन एक्स को डीएक्टी या डिफ्रेंशिएट के तो कॉस एक्स और डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। अब हो जाएगा टी क्यू हो जाएगा 1 टी स्क्वायर, और कॉस एक्स डी एक्स बोले कॉस एक्स डी एक्स बोले डी टी हो गया। और टी क्यू से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा टी क्यू माइनस टी के पावर 5, इसको इंटीग्रेट करेंगे टी के पावर 4/4 माइनस टी के पावर 6/6 प्लस सी। अब यहाँ पर जो है 1/4 हो गया, और टी माने हैं साइन एक्स को, यहाँ पर साइन एक्स हो गया, साइन का पावर 4x हो गया माइनस 1/6 और साइन 6x प्लस सी। तो फिर जो पर साइन एक्स रख दिए, और बुक में जो है आंसर कॉस के फॉर्म में दिया है, तो इसका मतलब है कि जो साइन एक्स जो हम लोग प्रूव किए हैं टी वो जो है कॉस एक्स इक्वल टू पुट कर दिया है टी, तो कॉस पुट किया हम लोग साइन पुट किया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 बाकी था, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई इतना है 1 sin 2x। हम फार्मूला जानते हैं डबल एंगल फार्मूला में त्रिकोणमिति में साइन 2θ इक्वल टू 2 sin θ इंटू कॉस थीटा। तो 1 के बदले हम लिख दिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मीन के 1 हो जाएगा, और साइन 2x को इस फार्मूला से तोड़ दिए इतना हो गया। इसको गौर से देखेंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट हो जाएगा, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको करने के बाद देखेंगे कि अगर इसको कुछ प्रूव कर लेते हैं, मान ली टी प्रूव कर ली और डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ऊपर वाला अपने आप घट जाएगा। तो इसलिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी प्रूव कर दिए, डिफ्रेंशिएट किए तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया। अब समीकरण नंबर 1 में इसके ऊपर वाला के बदले हो गया टी टी, आज इसको तो हम टी माना था टी स्क्वायर हो गया। अब फार्मूला 1 हम लोग पढ़े थे पार्टिकुलर केस में 1/1 x^n फार्मूला होता है इंटीग्रेशन इसका -1/(n-1)(x^n-1)। इसी फार्मूला पर इसका इंटीग्रेशन हुआ तो ये हो जाएगा 1/2 में से क्या तो 1 नहीं लिखे हैं, अब t के पावर में है 2-1 यानी -1/t हो जाएगा। आई माइनस टी जिसको माने हैं टी माने हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, इसको प्रूव कर दिए, यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है टैन क्यू 2x इंटू सेक 2x। अब इस टैन क्यू एक्स को इसको हम लिख दिए टैन स्क्वायर 2x इंटू टैन 2x और सेक 2x, इसको सेक के रूप में तोड़ दिए। अब जो हम देखे सेक को अगर कुछ प्रूव कर लेते हैं तो sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू टेन एक्स, यही हट जाए, इसलिए हम sec 2x को हम t मान लिए। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद sec का डिफरेंस तो sec 2x इंटू टेन 2x, लेकिन 2x का भी डिफरेंशिएशन जब होगा तो ये हो जाएगा 2 और dt, यहाँ पर 2 नहीं है इसलिए 2 को उधर भेज दिए यानी a, इतना इक्वल हो जाएगा dt बाई 2। अब समीकरण नंबर 1 नंबर में आएंगे तो इसके जगह पर रखेंगे t यानी t स्क्वायर माइनस 1 और ई जो है इसके बल हो जाएगा डी टी बाई 2। अब 1/2 को बाहर निकाल दिए, अब इसका इंटीग्रेशन तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया टी क्यू बाई 3 और माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो गया टी। अब 1/2 से गुणा करने के बाद ही हो जाएगा 1/6 टी क्यू माइनस 1/2 इंटू टी और प्लस सी। अब टी का बल रख दिए तो टी माने थे सेक 2x को, इसको रखने के बाद यही आंसर प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है टेन के पावर 4x dx, तो टेन को हम दो बार तोड़ दिए टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स
इसको सेक में तोड़ दिए और ये अपने जगह पर आया, इससे फिर गुना कर दिए, गुना किए और फिर इसे गुना कर दिए इतना, और फिर जो है अपने जगह पर ऐसा ही रह दिए, इसको तोड़ दिए फिर सेक के रूप में, फिर इसको इतना ही रहने दिए और इसका इंटीग्रेशन कर दिए, सेक स्क्वायर का हो जाएगा आपका टेन एक्स माइनस एक्स, इसका हो गया और बाकी रह गया ये। तो अब इसको हम एक नंबर मान लिए, अब सिर्फ इसके लिए, इसके लिए नहीं, इसके लिए हम टेन एक्स को पुट कर रहे हैं टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, यानी इसके बदले हो जाएगा डी टी आई हो जाएगा टी, यानी टी स्क्वायर डी टी, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे आई तो इंटीग्रेट हो चुका था ये आएगा, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी क्यू माइनस सी डी आई अपने जगह को बरकरार रखेगा। अब यहाँ पर थ्री माने हैं टेन एक्स, तो हो जाएगा वन बाई थ्री इन टू टेन क्यू एक्स माइनस टेन एक्स माइनस अंदर चला गया है प्लस एक्स प्लस सी, यही आंसर है। सत्रह नंबर क्वेश्चन है साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अब इसमें जो बारी बारी से भाग कर दो इतना से, इतना बटा इतना और प्लस इतना बटा इतना, देखिए कि साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर तीन को साइन है, यहाँ पर दो को से पड़ गया था, एक को साइन का पहुँच ही गया, तो एक को साइन है एक को कॉस में हो जाएगा टेन, एक कॉस है वो हो जाएगा सी एक्स प्लस, फिर यहाँ पर दो को कॉस है यहाँ पर तीन को कॉस है तो दो को तो कट जाएगा उससे, लेकिन एक कॉस पहुँच जाएगा एक को साइन में हो जाएगा कॉट एक्स और फिर एक को साइन बचाए वो पड़ जाएगा तो कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसका जो जब इंटीग्रेशन करेंगे हो जाएगा सेक एक्स और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स, इसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन से ही काम चल गया, सब्स्टिट्यूशन का जरूरत नहीं पड़ा। क्वेश्चन नंबर 19 है वन बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स आई डी एक्स है, इसको बात ये कि इस साइन में कॉस बटा कर दिए टेन लाने के लिए, तो इस साइन में कॉस यहाँ पर बटा कर दिए फिर यहाँ पर कॉस से गुना करना होगा, तो तीन को कॉस एक्स पहले इसका एक और कॉस हो जाएगा कॉस का पावर फोर एक्स, अभी चला जाएगा ऊपर में आज साइन बटा कॉस हो जाएगा टेन एक्स, अभी हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसको लिख दिए हो जाएगा टेन एक्स, अभी सेक स्क्वायर एक्स हम तोड़ दिए इतना अब बटा टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, अब यहाँ पर जो हो जाएगा टेन एक्स हम फूट कर दिए टी टी फूट कर दिए, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, अब इसके बदले हो जाएगा डी टी आई जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर बाई टी, अब फिर इतना बटा इतना कर दिए फिर इतना बटा इतना इतना हो गया, अब वन बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी हो गया प्लस इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टी प्लस सी हो गया, अब इसमें जो है टी का वैल्यू हो जाएगा टेन एक्स रख दिए वन बाई टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है ऑब्जेक्टिव है ई का पावर एक्स इंटू वन प्लस एक्स इंटू डी एक्स बाई कॉस स्क्वायर का एंगल है ई एक्स इंटू एक्स, अब एक नंबर मान लिए आई का पावर एक्स इंटू एक्स को हम टी पुट कर दिए, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद ई का पावर एक्स बा और एक्स का डिफरेंशिएशन वन प्लस एक्स गुना में हो गया, फिर ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन यानी ई का पावर एक्स, अब ई का पावर एक्स को बाहर कर दिए यहाँ पर बन जाएगा वन यहाँ पर बन जाएगा एक्स डी एक्स, अब यहाँ पर देखिए इसके बदले हो जाएगा डी टी और इसको हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, इसका इंटीग्रेशन का टेन टी है टी के बॉडी रख दी, देखिए ऑप्शन उसमें कौन है बी ऑप्शन में। हाँ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स महत्वपूर्ण जो परिणाम इसका हम नाम भी आई क्यू रखे हैं अपने से कि हाई लाइट रहेगा दिमाग में, एक नंबर में है एफ एक्स का पावर में एन इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, यानी कहने का मतलब है कि फंक्शन है इसका पावर है और जो फंक्शन है जो पुष्ट के अंदर बीसी का डीसी यानी डिफरेंशिएशन बगल में अगर गुना के रूप में रहे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा एफ एक्स का पावर में एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, यानी पावर फॉर्मूला जैसे काम करेगा ये, जैसे कि यहाँ पर साइन का पावर फोर एक्स इंटू कॉस एक्स है तो हम जानते हैं कि साइन का जो डी सी है यानी डिफरेंशिएशन कॉस होता है इसके पावर में फोर है तो इसी पर सेट हो रहा है, यानी एफ एक्स पर साइन एक्स है आई एन के ऊपर फोर है आई एफ जो डैश एक्स है ये कॉस एक्स हो गया, इसका सीधे इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन के पावर फाइव एक्स बाई फाइव प्लस सी, वैसा ही लॉग एक्स है इसके पावर सेवन है आई इंटू वन बाई एक्स है, तो जानते हैं कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई एक्स, इसलिए सीधे डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स पावर एट बाई एट,
यहाँ पर देख रहे हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल क्यूब है और इसका डीसी बगल में है गुणा में, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन सीधे हो जाएगा इसका इतना, इसका पावर एक बढ़ गया यानी पावर फोर हो गया बटा फोर हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि टेन एक्स इसका पावर थ्री है जबकि टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर है, इसलिए सीधे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन के पावर फोर आर बाई फोर। दो नंबर रिजल्ट इस सब एग्जाम्पल था, एक नंबर का दो नंबर रिजल्ट है कोई फंक्शन नीचे में है उसके पावर एन है तो आई इसका डीसी पर मेंबर सेट है तो इसका सीधे इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस वन बाई वो एन माइनस वन आई इंटू एफ एक्स का पावर एन माइनस वन, जैसे कि यहाँ पर एक फंक्शन है आई इसका डीसी ऊपर में है तो हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस इसका पावर एक कम होगा तो हो जाएगा एक हो जाएगा आप ही इसका पावर कम होगा इतना होगा यानी इसका इंटीग्रेशन ही हो जाएगा इस बेसिस पर। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये बारह एक्स क्यूब बाई वन प्लस थ्री एक्स का पावर को यहाँ पर क्यूब है कुछ अंदर वाला क्वांटिटी है, इसको डिफ्रेंशिएट करके देखिएगा तो यही आएगा यानी जो नीचे में जो फंक्शन है इसका डीसी पर में है इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस वन बाई तीन में से एक गया तो दो हो गया और उसके बाद इसका पावर में दो हो गया। और यहाँ पर जो है तीन नंबर रिजल्ट है कोई फंक्शन नीचे में रूट है इसका डीसी पर में सेट है तो हो जाएगा टू इसका इंटीग्रेशन टू आर रूट एफ एक्स प्लस सी, जैसे कि यहाँ पर जो है ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स है रूट टेन एक्स है जानते हैं टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स होता है इसको पूरा फिट बैठता है इसलिए हो जाएगा टू रूट टेन एक्स प्लस सी। यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है इसका डीसी पर में यहाँ पर हो जाएगा टू आर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब चार नंबर है यहाँ पर, अब चार नंबर ज़्यादा यूजफुल है ज़्यादा यूज आता है तो ये है कि एफ एक्स है इसका डीसी पर में सेट है तो ये हो जाएगा डी एक्स मैंने इसका इंटीग्रेशन है कोई फंक्शन है उसका डीसी पर में सेट है जैसे इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एफ एक्स का मॉडुलस प्लस सी, जैसे कि यहाँ पर फंक्शन जो है नीचे में इसका डीसी पर में सेट है तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ पर देखिए जो कॉट एक्स है इसका डीसी पर में माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग और कॉट एक्स का मॉडुलस नीचे में ही देख रहा है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कीजिएगा तो ये आएगा इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग वन का मॉडुलस वन प्लस टू एक्स क्यू प्लस मॉडुलस वन प्लस टू एक्स क्यू और होल का मॉडुलस प्लस सी है। अब देख रहा है कि कॉस साइन बटा कॉस है तो कॉस का डीसी तो माइनस साइन होता है तो माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए अब यानी कॉस का डीसी ऊपर में हो गया तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस यहाँ पर है और लॉग कॉस एक्स। अब लॉग के नियम से माइनस वन यहाँ पर छुपा हुआ है तो पावर यहाँ पर आर्गुमेंट में जा सकता है तो पावर को निगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए ये हो गया बेस उलट गया और वन बाई कॉस जब उल्टा होगा तो सेक एक्स हो जाएगा यानी इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग सेक एक्स। और इसे भी जानते हैं कि साइन बटा कॉस टेन एक्स होता है ऐसा ही इसका इंटीग्रेशन हम लोग देख चुके हैं फॉर्मूला के रूप में यही होता है ऐसे भी इस मेथड से भी किया गया इसे। पांच नंबर एग्जाम्पल है कॉस एक्स बटा साइन एक्स और डी एक्स। अब जानते हैं कि साइन का जो डिफरेंशिएशन जो होता है कॉस एक्स होता है पूरा फॉर्मूला पर फिट बैठ रहा है नीचे था तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स का मॉडुलस प्लस सी। हम लोग चारों जो रिजल्ट पढ़े हम लोग एग्जाम्पल के साथ उसमें एक साथ में लिया था अब याद रखने के लिए हम एक साथ लिख दिए चारों को इसको याद रखना है बहुत काम करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो कंपटीशन हो सबके लिए जो है कि इम्पोर्टेंट है। और जहाँ पर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर बोर्ड में क्वेश्चन पूछ रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर इस थ्योरी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे वहाँ उस क्वेश्चन में हम लोग बगल में इस रिजल्ट को लिख देंगे अन्यथा जो है नंबर कटने की जो संभावना रहेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए तो फिर राम बाण है ऑब्जेक्टिव बनाइए कि जो सब जितना भी रिजल्ट है सब्स्टिट्यूशन पर है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सब प्रूफ हो जाएगा उससे ही निकला हुआ ये जो रिजल्ट है।